नमस्कार, मेरा नाम सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि ये जो ग्लूटन है ये किसको खाना बंद करना चाहिए और कब बंद करना चाहिए। मैं पिछले कुछ वीडियोस में मैं ग्लूटन और ग्लूटन से जुड़ी हुई बीमारियों और उनसे जुड़ी हुई कुछ और बातों के बारे में बात करता हूँ। तो ग्लूटन से जुड़ी हुई बीमारियाँ सेलियाक डिजीज़ हो गई, वीट एलर्जी हो गई, ग्लूटन सेंसिटिविटी हो गई। तो इनमें क्या है कि लोगों को जैसे शरीर में तकलीफ होने लग जाती है कुछ, तो एक तरीके से बीमारी हो गई। अब जैसे सेलियाक डिजीज़ में, ग्लूटन सेंसिटिविटी में, पेट में दर्द होना, पेट फूल में फुलावट होना, गैस बन जाना, एकदम शरीर में कमजोरी महसूस होना, दस्ते लग जाना, और भी कई चीज़ें होती, सर दुखना, जोड़ों में दर्द हो जाना, मसल में मांसपेशियों में दर्द हो जाना, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब काफ़ी तरीके के सिम्टम हैं इनके, मतलब काफ़ी तरीके के लक्षण हैं इनके। किसको अब तुमने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए, तुमने देखा कि अच्छा अच्छा ग्लूटन से ये दिक्कत हो सकती है, क्या हमें भी ग्लूटन से दिक्कत हो रही होगी क्या, कैसे पता चलेगा? देखो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो अपना इलाज कौन कराएगा? जो बीमार होगा। जब तुम ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है तो तुम क्यों इलाज कराओगे भाई? ये वीडियो उनके लिए जिनको कोई दिक्कत है, ठीक है। सबसे पहले तो जिनको कोई दिक्कत है इसी तरीके की, जो कि उनको ऐसे ही उनके शरीर में चिन्ह दिख रहे हैं जैसे कि उन्हें दिख रहे हैं, जो डॉक्टर के चक्कर काट के आ गए पर कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या बीमारी है, उनके बीमारी के लक्षण कुछ ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे कि ग्लूटन की बीमारियों में होते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। पहले तो लक्षण कुछ ऐसे ही होने चाहिए जैसे कि मैंने सेलियाक डिजीज, ग्लूटन सेंसिटिविटी के वीडियोस में बताया है और अभी बताया है, ऐसे लक्षण होए और तुम्हें लगे कि मैं ग्लूटन की चीज़ जैसे गेहूँ या जौ इनकी कोई चीज़ खा लेता हूँ तो मेरी को दिक्कत बढ़ती है, अगर मैं कुछ दिन तक ये नहीं खाता तो मेरे को दिक्कत नहीं बढ़ती। मतलब तुमने कभी ऐसा ध्यान दे करके देखा हो कि यार ये खाता हूँ तो दिक्कत बढ़ती है, नहीं खाता तो दिक्कत नहीं होती? मान लो बाई चांस तुमने ऐसे करके देखा हो कभी, तो तुमने नहीं करके देखा तो अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है जब तक कि ये पूरा वीडियो समझ नहीं लो, ठीक है। यही समझाने के लिए कि किसको करने की ज़रूरत है किसको नहीं करने की ज़रूरत है। जिसको जिसने बहुत डॉक्टर में चक्कर काट लिए, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, पर दिक्कत हो रही है शरीर में और समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, तो देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है और ग्लूटन के कारण हो सकती है, तो तुम अपना सेलियक बीमारी का चेकअप कराओ, ठीक है। टेस्ट कराओ कि सेलियक बीमारी है क्या। मैंने सेलियक वाले वीडियो में बताया था, TTGIGA नाम का टेस्ट हो जाता है, तो अगर तुम्हारे उसमें आ जाता है कि तुम्हें सेलियक बीमारी है तो तुम ग्लूटन बंद कर दो, खाना बिल्कुल बंद कर सकते हो और बाकी तुम्हारे डॉक्टर जो भी बताता है वो सब करो तुम, ठीक है। पर मान लेते हैं तुम्हारा सेलियक का टेस्ट में आया कि नहीं तुम्हें बीमारी नहीं है, तो अब क्या करें? देखो हो सकता है तुम्हें जो भी पेट में दिक्कत हो रही है, जो भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है, पेट खराब है, जो भी तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, ये सब ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने में ही गड़बड़ है, तो तुम्हारे शरीर में गड़बड़ हो रही है। अपनी डाइट सही करो पहले, तो ज़्यादा हेल्दी खाना और कम जंक फूड खाना, बाहर का खाना बंद करो, खराब खाना बंद करो, जंक फूड खाना बंद करो और सिर्फ हेल्दी खाओ, ऐसा करके देखो काफ़ी कुछ हफ्तों तक करके देखो। ज़्यादा फल, ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा अनाज और ज़्यादा दालें, बीन्स, ये सब करके देखो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है, हाँ इससे फ़र्क हो गया, मेरे को पहले जो दिक्कत हो रही थी नहीं हो रही, तो ग्लूटेन बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। तुम गलत खाते थे इसलिए दिक्कत थी, अब गलत खाना छोड़ दिया तो दिक्कत बंद हो गई। और जब ये तुम अपनी डाइट इंप्रूव करो, तो डाइट इंप्रूव करने में मतलब डाइट सही करो, जब तुम अपनी हेल्दी डाइट खाने की कोशिश करो तो उसमें गेहूँ और जौ ये सब बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ में ही खाना है, ये हेल्दी डाइट का ही पार्ट है, एक आदमी की हेल्दी डाइट का ही हिस्सा है। देखो ग्लूटेन मेन तीन चीज़ों में पाया जाता है जो आम आदमी खाता है, वीट, बार्ले और राई। वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, और राई ये वो राई नहीं है जो तुम्हारी मम्मी काली काली छोटी छोटी घर में काम लेती है रसोई में, वो राई नहीं है, ये राई भी एक ये जौ और गेहूँ जैसा अनाज है, ज़्यादा ये बाहर के मतलब विदेशों में ज़्यादा होता है, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे नाम बता दिया था कि किसी को आगे वो इंटरनेट पे देखे तो उसे कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अगर तुमने डाइट अच्छी करके देखी, जंक फूड बंद कर दिया, डाइट सुधार के देखी, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो क्या करें?
अब तुम्हें फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, पर तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत है इसलिए तुम्हें दिक्कत महसूस हो रही है, तो पहले ये देखने की कोशिश करो कि कोई और कारण तो नहीं है दिक्कत का। ग्लूटेन से पहले और भी तो कारण हो सकते हैं, हो सकता है इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, कई लोग होते हैं दूध नहीं पचता, दूध पीते तो गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, दिक्कत होने लग जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्रुक्टोज नहीं पचता, जैसे ग्लूकोज होता है वैसे फ्रुक्टोज भी होता है, कई लोग होते हैं उनको वो नहीं पचता, कुछ लोग होते हैं जिनका पेट ही खराब होता है इसलिए उनको इतनी दिक्कतें हो रही होती है। हो सकता है तुम्हारे पेट में, जो मैंने बताया था पेट में बैक्टीरिया होता है, अच्छे बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया, हो सकता है तुम्हारे पेट में खराब बैक्टीरिया बढ़ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले अपने बाकी चीज़ों के चेकअप करा लो, डॉक्टर को दिखाओ और उसे पूरा चेकअप करा लो कि भाई मेरे को क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। सारे चेकअप जितने भी तुम्हारे डॉक्टर कहते हैं ना कि ये करा करके देख लो, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, सही से चेकअप करा लो। अगर कोई भी कारण नहीं निकलता, तुम्हें कोई भी कारण नहीं मिल रहा, तो फिर तुम ग्लूटेन बंद करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लेते तुम्हें कोई और कारण मिल गया, मान लो तुम्हें पता चला यार यार मेरे तो पेट ही खराब था इसलिए ऐसा हो रहा है, तो पेट सही करने की तरफ ध्यान दो। तुम्हें लग रहा है कि दूध पीने के कारण ऐसा हो रहा था, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण हो रहा है, तो उस बीमारी का इलाज करने की कोशिश करो। अगर कोई और बीमारी मतलब तकलीफ निकल गई तो उसका इलाज करो। अगर कोई भी तकलीफ नहीं निकलती है, तुमने बॉड डॉक्टर की से सलाह पर मशवरा कर लिया, तुमने पता करने की कोशिश कर ली, कोई और दिक्कत तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो तुम ग्लूटेन बंद करके देखो, ग्लूटेन की चीज़ें बंद करके देखो। अगर कुछ वक्त बंद करने के बाद में भी तुम्हें वही दिक्कत रहती है, तो इसका मतलब ग्लूटेन के कारण नहीं थी, तो ग्लूटेन बंद करने की जरूरत नहीं है, तो ग्लूटेन वापस खाना चालू कर दो। बंद करे हुए मत रखना, ग्लूटेन वापस खाना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बंद करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अबे हमें समझ आ गया ग्लूटेन बंद करने से हमारी दिक्कत ठीक नहीं, इसका मतलब ग्लूटेन के कारण दिक्कत ही नहीं। अगर ग्लूटेन बंद करने से तुम्हारी दिक्कत ठीक होने लगी, तुम्हें लगने लग गया यार ग्लूटेन की चीज़ें बंद कर दिया मैं ठीक हूँ, तो ग्लूटेन बंद रख सकते हो। और उसमें भी ये सलाह दी जाएगी कि हर थोड़े थोड़े टाइम में, थोड़े थोड़े टाइम मतलब जैसे कुछ हफ्तों बाद वापस से ग्लूटेन खाओ, क्योंकि इससे क्या है कि हो सकता है धीरे 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 तुम्हारे शरीर को ग्लूटेन की आदत पड़ने लग जाए और तुम्हारा शरीर ग्लूटेन पचाने लग जाए, ठीक है। मतलब तुम्हारी ग्लूटेन की जो परेशानी है वो हो सकता है धीरे धीरे कम होने लग जाए, तो ग्लूटेन छोड़ दिया तुमने पर थोड़े थोड़े टाइम बाद वापस ग्लूटेन खाओ, कुछ हफ्तों बाद जैसे मान लो 4 हफ्ते बाद खा लिया ऐसे। अब बात आती है उन लोगों की जो ग्लूटेन बंद करेंगे, ठीक है, जिनको या तो सेलिया बीमारी दिया, जिन्होंने सारा जो मैंने समझाया उसमें आकर के ग्लूटेन बंद किया। जो लोग ग्लूटेन बंद करे वो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो बाहर जो बाजार में ग्लूटेन फ्री नो ग्लूटेन लिखे हुए जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि उनमें फिर भी हल्का सा ग्लूटेन होता है। क्यों? क्योंकि वो बनते जिस जगह पे फैक्ट्री में और यहाँ जहाँ पे भी बन रहे होते हैं वहाँ पे दूसरे सामान भी तो बन रहा होता है ना, तो वो सामान के चिपक जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कोई चीज़ बना रहा हूँ जो ग्लूटेन फ्री है, पर वो गलती से गेहूं के चिपक गई, थोड़ी सी लग गई उसके, या मेरे हाथ गेहूं के थे और मैंने उसी हाथ से वो ग्लूटेन फ्री वाली चीज़ को पैक कर दिया, तो वो जो थोड़ा सा अंश भी है ना ग्लूटेन का, वो भी जिनको ग्लूटेन से दिक्कत होती है उनको दिक्कत दे सकता है। तो बाहर से जो भी बाजार से खरीदते हो वो उसमें हो सकता है ग्लूटेन फ्री लिखा हो पर फिर भी थोड़ा सा ग्लूटेन हो तो तुम्हें दिक्कत दे दे। तो सबसे अच्छा है घर में अपनी रसोई में खाना बने, रसोई में मैं एक जने को जानता हूँ, उसने मेरे को बताया था कि हमने क्या हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमारे बच्चे बढ़ नहीं रहे थे, कई साल हो गए बच्चे उल्टा सिकुड़ते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये टेस्ट कराओ, तो हमने टेस्ट कराया तो उनको सेलियक जो बीमारी है वो आ गई। तो अब हमने क्या करा, रसोई में एक छोटा सा हिस्सा उनके लिए बच्चों के लिए कर दिया, वहाँ पर हम वो वाला आटा लाते हैं जो कि ग्लूटेन फ्री होता है, वो करीब जैसे आम आटा अगर 24-25 रुपये किलो आता है तो वो आटा करीब 120 रुपये किलो आता है, जितना मुझे ध्यान है काफ़ी महंगा आता है, लगभग ग्लूटेन फ्री वाली चीज़ें करीब 3 गुना महंगी होती है। इसलिए भी तुम बिना ग्लूटेन की दिक्कत हुए ग्लूटेन फ्री खाना नहीं खाना चाहोगे, तुम्हारे पैसे कितने ज़्यादा लगेंगे जबकि तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी। तो उस आदमी ने मेरे को बताया कि वो ग्लूटेन फ्री आटा ले रहा था, तो उसने कहा कि हमने रसोई में एक छोटा सा हिस्सा कर दिया जो कि जिसमें जो भी खाना वाना बनता है बच्चों के हिसाब से बनता है और वो बाकी खाने के टच में नहीं आता, बाकी खाने से उसको चिपकने नहीं देते, मतलब स्पर्श नहीं होने देते। तो उसने कहा कि अब बच्चे ठीक है, अच्छे से बढ़ रहे हैं, पर ये उन्हें मतलब अभी तक तो साइंस को इसका इलाज पता नहीं है, तो उम्र भरी करना पड़ेगा साइंस के हिसाब से, आयुर्वेद में कोई इलाज हो तो पता लगे, और मुझे आयुर्वेद के इलाज के बारे में अभी तक पता नहीं है इसके। तो घर में रसोई में खाना बनाओ, कुछ चीज़ें जिनमें ग्लूटेन नहीं है, कुछ अनाज जैसे बाजरी होगी, बाजरा जिसे कहते हैं लोग, बाजरी होगी, ज्वार हो गया,
जौ में ग्लूटन है, ज्वार में ग्लूटन नहीं है। ये काफी बार कबूतरों को दाने की जगह पे दिया जाता है। मक्की हो गई, मक्की का आटा खाते हैं लोग, मेरे पता तो चावल में नहीं है। और फिर जैसे चनों का आटा होता है, पीले चने आते हैं उनका आटा होता है, तो जैसे बेसन कहते हैं। पर साइंस के हिसाब से देखो चने है, सेहतमंद है, पर मैंने पूर्वजों से सुना है कि बेस, मतलब मुझे इसका सिर्फ मैंने पूर्वजों से सुना है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बता दूं कि बेसन जो चने का आटा है ये रोज नहीं खाना चाहिए, नुकसान कर सकता है, ऐसा मैंने सुना है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक जिसको भी यहाँ पे मैंने जितना भी समझाया उसको, जिसको ग्लूटन बंद करने की जरूरत नहीं है, वो ग्लूटन बंद ना करे बिल्कुल भी। अपनी पहले तो अपनी होशियारी लगा करके ग्लूटन बंद मत करना, जो मैंने बताया उस तरीके से चेकअप वगैरह करा करके, जो पूरा तरीका बताया पूरा फॉलो करके अगर फिर ग्लूटन बंद करके देखना, अगर दिक्कतें ठीक हो जाए तो ठीक है ग्लूटन बंद रखना, लेकिन अगर दिक्कतें ठीक नहीं तो वापस चालू कर देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ग्लूटन से कोई दिक्कत नहीं है और तुम ग्लूटन खाना बंद कर दोगे तो तुम्हें आगे जाकर ग्लूटन से दिक्कतें होने लग सकती है, जब तुम अगर बाई चांस वापस खाना चालू करो। और ये जेनेटिक बीमारी हो सकता है, तुम वापस कभी जिंदगी में ना खाओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे बच्चों के बच्चे खाएं तो उन्हें दिक्कत हो जाए क्योंकि तुमने खाना छोड़ दिया था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो और हाँ, ग्लूटन खाना छोड़ दो तुम्हारे शरीर के लिए, मतलब तुम्हें ग्लूटन से कोई दिक्कत नहीं थी और तुमने अपनी होशियारी लगा कर ग्लूटन खाना छोड़ दिया, तो तुम्हारा जो आंते हैं इनके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, तुम्हारे बैड बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो खराब बैक्टीरिया हो तुम्हारे शरीर में बढ़ सकते हैं, तुम्हारी सेहत के लिए खराब हो सकता है हो। और कहने का मतलब, अगर तुमने रोटी खानी छोड़ दी कई सालों तक, रोटी मतलब जो गेहूं की रोटी बनती है जिसको हम फलका बोलते हैं, तुमने फलके खाने छोड़ दिए कई सालों तक, तो हो सकता है तुम्हें फलके पचने बंद हो जाए। तो इसलिए ऐसा हम नहीं करेंगे जब तक हमें पक्का पता नहीं है कि हमें उससे कोई दिक्कत है या नहीं। हमारे पूर्वज भारत में सैकड़ों सालों से, शायद हजारों सालों से फलके खाते आ रहे हैं, गेहूं खाते आ रहे हैं, जौ खाते आ रहे हैं, और उन्होंने 100-100 साल की जिंदगी एक पूरी करी है, जिससे ये बात साफ सिद्ध होती है कि गेहूं या फिर जौ या जिन चीज़ों में ग्लूटन है वो कोई सेहत के लिए ख़राब खाना नहीं है, वरना वो 100-100 साल कैसे जीते। तो वो खाते आ रहे थे, इसलिए कम संभावना है कि हमें बीमारी हो, और अगर हम खाना छोड़ देंगे तो अच्छी खासी संभावना है कि हमारे बच्चों या उनके बच्चों को हो जाए। हमें भी नहीं खाना छोड़ना बिना किसी मतलब के, सिर्फ इंटरनेट पे देख देख करके। अब बचती है बात के इतनी ज़्यादा बाहर हवा क्यों फैली हुई है ग्लूटन ग्लूटन फ्री, जबकि ग्लूटन एक आम आदमी के लिए सेहतमंद चीज़ है, तो इतनी बाहर हवा क्यों फैली हुई है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।